उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पकड़ा गया आईएसआई का एजेंट, भारतीय उच्चायुक्त के साथ नौकर बनकर गया था पाकिस्तान। भारतीय सेना के अफसर के साथ दो साल तक पाकिस्तान में रहकर करता रहा जासूसी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच सरकार लगातार इसे जीएसटी के दायरे में लाने से इनकार कर रही है, और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांग की पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तभी दाम घटेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार 11वें दिन बढ़ गई। दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपए 47 पैसे, मुंबई में 85 रुपए 29 पैसे का हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के बीच टैक्स कम होने के संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा देश में विकास के काम पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाले टैक्स से होते हैं। सरकार पेट्रोल के दाम से हो रही समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की तुलना मोबाइल फोन के बिल से की। कहा कांग्रेस के समय में 300 रुपए में रोज 1 GB इंटरनेट डेटा नहीं मिलता था, वही कॉल रेट 8 रुपए था जो अब फ्री हो गया। आज योगी आदित्यनाथ फिर से कैराना में प्रचार करेंगे। कैराना में प्रचार में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। कैराना उपचुनाव में बढ़ी बीजेपी की मुश्किल। राष्ट्रीय लोकदल के साथ आए निर्दलीय प्रत्याशी कंवर हसन, आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम हसन के देवर हैं कंवर हसन। सत्ताईस मई को यूपी के बागपत में नरेंद्र मोदी की रैली पर रोक लगाने से चुनाव आयोग का इनकार। कैराना उपचुनाव को देखते हुए आरएलडी ने रैली पर रोक की मांग की थी। कैराना में 28 मई को उपचुनाव। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में शिवसेना बीजेपी ने दो दो सीटें जीती, लेकिन नासिक में बीजेपी एनसीपी के गठजोड़ के बाद भी शिवसेना ने बाजी मारी। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में जबानी जंग। यूपी के सीएम योगी बोले शिवाजी का नाम लेकर पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है शिवसेना। उद्धव बोले बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज पीएम मोदी ने कबूल किया। मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो जल्दी ही अपना फिटनेस वीडियो शेयर करेंगे। विराट ने पुशअप वीडियो शेयर करके मोदी को चुनौती दी थी। देश में फिटनेस चैलेंज का माहौल बना। प्रधानमंत्री मोदी के कोहली का चैलेंज स्वीकार करने के बाद नेताओं बॉलीवुड में लगी फिटनेस चैलेंज की होड़। हिंसक झड़प में 13 लोगों की मौत के बाद टीएनपीसीबी ने टूटिकोरिन में स्टरलाइट कॉपर के प्लांट को बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद प्लांट की बिजली भी काट दी गई है। तमिलनाडु के टूटिकोरिन में कॉपर प्लांट को लेकर कल फिर से हिंसा हुई। हिंसा के बाद पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हुई थी। तूतीकोरिन में हिंसा पर केंद्र और मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया है। तूतीकोरिन के कलेक्टर और एसपी को पद से हटा दिया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता ग्रुप के कॉपर प्लांट का विस्तार नहीं होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कल स्टरलाइट प्लांट के प्रस्तावित विस्तार पर रोक लगा दी थी। इसी प्लांट से फैल रहे प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन के सरकारी स्कूल में 20 मरे चमगादड़ मिलने के बाद हड़कंप मचा है। मृत चमगादड़ों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इनकी मौत निपा वायरस से हुई है या फिर इसका कोई और कारण है। चमगादड़ से होने वाले निपा वायरस का केरल में खौफ बरकरार। यहां निपा वायरस की चपेट में आने से एक हफ्ते में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोग गंभीर रूप से बीमार। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान। लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश में ट्रेन से गिरी महिला, पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद। यूपी के इलाहाबाद में अपने बेटे को ढूंढने के लिए भटक रहा सिपाही। सिपाही के बेटे का 9 मई को अपहरण हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस ने इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आरोप है कि अपहरण के पीछे कुछ पुलिस वालों का ही हाथ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 21 पिस्टल बरामद। बताया जा रहा है इन पिस्टल की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में होनी थी।
दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर कार अपना संतुलन खोकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, दूसरा शख्स बुरी तरह घायल हो गया। दिल्ली के भारत नगर इलाके में स्कूटी से जा रहे डीयू के छात्र को एक संकरी गली में कार सवार दबंगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गली में बैक होकर आ रही एक कार को साइड दे दी। गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में टायर फैक्ट्री के मालिक की गोली मारकर हत्या, परिवार ने फैक्ट्री के ही 3 पूर्व कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फिलहाल 4-5 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 26-27 मई तक तापमान में कोई गिरावट नहीं आएगी। यूपी के इलाहाबाद में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 2 दिन से पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में भी इलाहाबाद के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 25 रन से हराया। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 144 रन ही बना सकी और आईपीएल से बाहर हो गई। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने तूफानी पारी खेली। 5 छक्के 3 चौकों के साथ 25 गेंद में बनाए नाबाद 49 रन, रसेल बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता के लिए दिनेश कार्तिक ने खेली कप्तानी पारी। 38 गेंद में बनाए 52 रन, शुभमन गिल के साथ 5वें विकेट के लिए जोड़े 55 रन। अब कल क्वालिफायर 2 में कोलकाता का मुकाबला हैदराबाद से ईडन गार्डन में होगा। कोलकाता हैदराबाद में से जो जीतेगा वो चेन्नई के साथ 27 मई को फाइनल खेलेगा। फिल्म वीरे दी वेडिंग के प्रमोशन के दौरान हॉट अवतार में दिखी करीना कपूर खान। फिल्म वीरे दी वेडिंग 1 जून को रिलीज होगी। फिल्म में करीना के साथ सोनम कपूर, स्वरा भास्करा और शिखा तलसानिया मुख्य किरदार में नजर आएंगी। हाल ही में बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप पहुंचने पर प्रियंका चोपड़ा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। ट्विटर पर आलोचकों ने प्रियंका का जमकर विरोध किया। कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टारर मेंटल है क्या फिल्म में नजर आएंगी अभिनेत्री अमायरा दस्तूर। अमायरा तमिल और तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं। साल 2013 में अमायरा प्रतीक बब्बर के साथ फिल्म इसक में भी नजर आई थी। ऋषि कपूर ने आलिया समेत पूरे भट्ट परिवार की तारीफ सोशल मीडिया पर की। ऋषि कपूर के ट्वीट के साथ ही ट्विटर पर फैंस ने आलिया रणबीर के रिलेशनशिप की खबरों पर मोहर लगानी शुरू कर दी। खबरें हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में सोनम कपूर के रिसेप्शन पार्टी में एक साथ पहुंचे थे रणबीर और आलिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।